अगर आप भी अपनी आईब्रोज की ग्रोथ को काफी अच्छा करना चाहते हैं, ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, काली घनी खूबसूरत चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी मेथी का यूज कि किस तरह से आप मेथी को यूज करके इजीली अपने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत और अच्छी आईब्रोज आपको मिल सकती हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुष्मांजलि हेल्थ ब्यूटी टिप्स, और मैं हूं आपकी दोस्त कुसुम राजपूत। गाइस, वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि आप अपनी हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये यूज़ करो, वो यूज़ करो, मार्केट के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको गिना देंगे, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप फालतू की चीज़ों में ना पड़िए। इजीली आपकी किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे आप अपनी आईब्रोज की ग्रोथ को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस, मैंने यहाँ पर ली हुई है एक क्लीन बाउल और इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मेथी के सीड्स। गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पास ये मेथी के कुछ सीड्स हैं जिनको मैंने रात को भिगो के रखा था 8 से 10 घंटे तक, और अब ये काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं। मैं इनको एक बार वॉश भी कर चुकी हूँ। सो आप इसे रात को या फिर सुबह फुला दीजिए, और जब 8 से 10 घंटे हो जाए तो आप इसका पेस्ट बना के रेडी कीजिए। तो चलिए हम इसका पेस्ट बनाते हैं। इस तरह से पेस्ट बना के आप इसे रेडी कर लीजिए, और उसके बाद इसे डायरेक्ट अपनी आईब्रोज पे इसको आप अप्लाई कर लीजिए। फ्रेंड्स, मेथी के जो सीड्स होते हैं उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और आपकी जो आईब्रोज के बाल होते हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन की कमी अगर हो जाती है तो आईब्रोज की ग्रोथ है वो कम हो जाती है, और आईब्रोज खाली घनी नहीं होती हैं। सो आप अगर मेथी के इन सीड्स का पेस्ट बना के यूज़ कर लेते हैं, और सिंपली आप ज़्यादा नहीं, अपनी फिंगर पे इतना सा ले लीजिए और अपनी आईब्रोज पे इसको रब लीजिए। 10 to 5 मिनट इसे अच्छे से मसाज कर लीजिए। ये बहुत सिल्की सा होता है, और उसके बाद 30 से 45 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए, और उसके बाद गर्म पानी से आप इसे वॉश कर लीजिए। हफ्ते में इस रेमेडी को आप 4 बार ट्राई ज़रूर कीजिए, और आप इस पेस्ट को बना करके फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रोटीन के बने होते हैं हमारे आईब्रोज के बाल, और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, तो आपके आईब्रोज की ग्रोथ को ये सिंपली बढ़ा देगा। इसके बाद इसमें निकोटिनिक एसिड जो होता है वो आपके रोम छिद्र जो होते हैं, जिनको हम पोर्स बोलते हैं, उनको खोल देता है और उनको एक्टिवेट कर देता है, जिससे आपके आईब्रोज की ग्रोथ ईजिली बढ़ने लगती है। सो मेथी के इस पेस्ट को आप यूज़ करके अपनी आईब्रोज की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल होती हैं जिनको यूज़ करके हम इजीली अपनी आईब्रोज या अपने हेयर्स की या फिर आईलैसेस की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, बट हम आजकल मार्केट के प्रोडक्ट के पीछे ज़्यादा भागते हैं, और वही चीज़ें यूज़ करके हम सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो भी इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके बनाई जाती हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, केमिकल वगैरह, जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। सो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एंड यूजेबल ऑल स्किन टाइप्स। सो आप किसी भी स्किन पर इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर सेंसिटिव है, ऑयली ड्राई है, तो भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, और आपकी आईब्रोज की ग्रोथ और आईलेसिस की ग्रोथ को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली है। सो फ्रेंड्स, इसी बात पे वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। मुझे अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, या कोई और बात है तो भी आप शेयर कर सकते हैं। आपकी दोस्त आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।